दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, SSC भर्ती 2018 दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने तीन बड़े भर्तियों की परीक्षा तिथि ऑफिशियली रूप से जारी कर दी है। ऑफिशियल जानकारी है, तीन बड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित की है। और दोस्तों, SSC GD के बारे में भी बड़ा अपडेट। इसके अलावा SSC का जो ग्रेजुएशन लेवल का है, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसी है CAPF की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसका भी यहां पर अपडेट दिया है SSC ने कि उनकी एग्ज़ाम डेट कब तक जारी हो सकती है। बड़ा अपडेट यूं समझिए, तीन जो एग्ज़ाम्स की डेट घोषित कर दी है। इसके अलावा SSC GD और इसके अलावा SSC CAPF यानी कि कांस्टेबल वाले जो सब इंस्पेक्टर SI भर्ती है, उसका भी यहां पर अपडेट SSC ने दे दिया है। संपूर्ण जानकारी का वीडियो, तो सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम डेट यहां पर जारी हुई है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि किस भर्ती की एग्ज़ाम डेट सबसे पहले जारी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी निकल रही थी सितम्बर के महीने में, फेज सिक्स वाली पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट की अगर आपने आवेदन किया, सिलेक्शन 6 पोस्ट वाली जो वैकेंसी थी SSC की, उसकी एग्ज़ाम डेट यहां पर जारी की है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो वैकेंसी थी जिसमें जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के ऐसे पद थे ग्रेजुएशन लेवल से, जिसके अलावा इसमें 10वीं और 12वीं से भी वैकेंसी थी, वो देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट जूनियर कंप्यूटर, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको याद आ गया होगा कौन सी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च असिस्टेंट की। इसके अलावा सीनियर ऑडियो विजुअल असिस्टेंट, ये वैकेंसी थी वो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके अलावा डाइटिशियन की, जो सिलेक्शन छः पोस्ट वाली जो वैकेंसी थी उसकी एग्ज़ाम डेट आई है। दोस्तों, आपको मैं ये आवेदन, ये प्रोफॉर्मा इसलिए दिखा रहा हूँ जो विज्ञप्ति है, कि आपको याद आ जाए आपकी कौन सा फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉकमैन प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ये जो वैकेंसी थी ना, इसकी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी की है। जिसने कैंटीन अटेंडेंट का जिसने फॉर्म लगाया था, वो एग्ज़ाम डेट है ये। ठीक है, इसके लाइब्रेरी क्लर्क का है, फीटर पंप ड्राइवर का है, ये वैकेंसी थी ना, इसकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी की है। और सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस है कर्मचारी चयन आयोग का, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्मचारी चयन आयोग, इम्पोर्टेंट नोटिस। द कैंडिडेट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द कमीशन हैज फाइनलाइज्ड द डेट्स ऑफ कंडक्टिंग 3 एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। जनवरी और फरवरी में ये तीन बड़े एग्जाम्स की डेट यहां पर जारी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एग्जाम डेट है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन 2018 पेपर फर्स्ट। तो इसका एग्ज़ाम आपका होगा 13/1/2019 को, 13 जनवरी को इसकी परीक्षा होगी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो है। इसके अलावा हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन 2018 पेपर फर्स्ट। इसके अलावा दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट 6 जो मैंने आपको विज्ञप्ति ऊपर दिखाई थी, उसमें अगर आपने 10वीं पास से फार्म भरा था उसमें, तो आपकी एग्ज़ाम होगी 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, तीन दिन एग्ज़ाम, 16, 17, 18। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने हायर सेकेंडरी लेवल का भरा है तो 17 और 18 को आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन लेवल से इस वैकेंसी में सिलेक्शन 6 वाली में भरा था, तो आपकी एग्ज़ाम होगी 17/1/2018 एंड 18/1/2019। तो ये दो जो 12वीं और ग्रेजुएशन से, ये एग्ज़ाम 2 दिन होंगी, मैट्रिक लेवल वाली 3 दिन होगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम डेट की स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड CND जिसके फॉर्म अभी कुछ दिनों पहले भरे गए थे, उसकी एग्ज़ाम डेट 5 to 7 फरवरी, 5 फरवरी से लेके 6-7, यानी कि 3 दिन ये आपकी SSC स्टेनोग्राफर CND 2018 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तीन बड़ी अपडेट हैं, तीन एग्ज़ाम्स की डेट यहाँ पे घोषित हुई हैं, सिलेक्शन 6, इसके अलावा ट्रांसलेटर की, इसके अलावा स्टेनो CND की, तीन डेट हैं। जनवरी और फरवरी में पेपर होंगे। अब बात कर लेते हैं SSC GD की। तो SSC GD और CAPF वाली जो वैकेंसी है, देख सकते हैं दोस्तों, SI इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड ASI इन CISF एग्जामिनेशन 2018 एंड कॉन्स्टेबल GD। आसानी से देखिए दोस्तों, मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है, कॉन्स्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली।
तो एसएससी, जीडी और ग्रेजुएशन की जो पोस्टें हैं एसआई की दिल्ली पुलिस में या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सीएपीएफ की, उसकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द घोषित की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका एग्ज़ाम एसएससी, जीडी और सीएपीएफ का 10 फरवरी के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। 10 फरवरी के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एसएससी को अगर ये एग्ज़ाम डेट घोषित करनी होती तो इनके बीच में दे सकते थे, लेकिन इनके बाद ही आपका पेपर होगा। ये शेड्यूल यहां पर एसएससी ने तय कर दिया है, इनके बाद आपका पेपर निश्चित तौर पर एसएससी, जीडी और सीएपीएफ का हो जाएगा। तो ये तीन बड़े अपडेट हैं जिन्होंने स्टेनो सिलेक्शन 6 ट्रांसलेटर का फॉर्म भरा है, तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। एसएससी, जीडी और सीएपीएफ वालों की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द शॉर्टली आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और दोस्तों जो ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो नोटिस है, इम्पोर्टेंट नोटिस, वो एसएससी की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट जारी की जा चुकी हैं, निश्चित तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, आप इस जानकारी को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।